हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में जो दोस्तों मुद्दा जो टॉपिक मैं आपके लेके आया हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा कमाल का है, जिसका नाम है कैश मेमोरी। अभी कैश मेमोरी क्या होता है भाई, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी, व्हाट वॉज द नीड ऑफ दिस कैश मेमोरी, बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे भैया इसके फीचर्स क्या है, इस मेमोरी के फीचर्स क्या है, इसके डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जानने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। और एज यूजुअल आपका इस वीडियो में भी मैं कम समय लूंगा और अपनी तरफ से ज्यादा डिलीवर करने की कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी रहने वाली इस वीडियो में भी। तो सबसे पहला जो अहम सवाल है उसका जो जवाब है उसको जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कैश मेमोरी, क्या जरूरत थी इसे इस्तेमाल करने की, क्या इससे पहले काम सही चल नहीं रहा था, क्या इससे पहले जो हम लोगों ने मेमोरीज को इन यूज लिया था क्या वो मेमोरीज में कुछ फॉल्ट था, कमियां थी, लिमिटेशंस थी, वो कोई प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, जिनका सॉल्यूशन लेके अभी कैश मेमोरी आ गया है। तो उन सॉल्यूशंस के बारे में भी हम बात करेंगे, बराबर। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट वाज क्रिएटेड बाय द बिफोर मेमोरीज दैट वी वर यूजिंग, क्या वो समस्याएं थी उनको पहले जान लेते हैं। तो इनिशियली समझ लो हमारे पास ऑब्वियसली सीपीयू है, यानी हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, और इनिशियली हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है वो है सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर भैया हमारा डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां आ रहा था ये समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम वाज दैट कि आपका जो सीपीयू है उसका काम क्या होता है, किसी भी एक टास्क को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस करना, और वो भी बड़े तेजी के साथ, बड़े फास्ट वे में, बड़े फास्ट नेचर के साथ, बड़े स्फूर्ति के साथ उस पूरे टास्क को अंजाम करना है, अंजाम देना है, फिनिश करना है बहुत फास्ट तरीके से। तो जो इसकी स्पीड थी, जिसे हम सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड कह सकते हैं, वो स्पीड बहुत ही फास्ट थी, बहुत ही हाई थी, बड़े ही जल्दी वो किसी भी एक टास्क या प्रोग्राम को फिनिश कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ये सीपीयू की कैपेबिलिटी है, बराबर। अभी उसके अपोजिट साइड अगर देखा जाए, अपोजिट मीनिंग में आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी निहायत ही बहुत ही स्लो है, इट इज़ वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। और अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड अगर इसके कंपेयर करने जाऊं सीपीयू से, तो वो बहुत ही स्लो है, सेकेंडरी मेमोरी इज वेरी स्लो। अब ये इन टर्म्स ऑफ व्हाट मैं कह रहा हूं, ये स्लो कैसे है ये समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि अभी ये क्या करता है, आपका कोई भी प्रोग्राम होता है उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। नाउ ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर सीपीयू को किसी एक पर्टिकुलर डेटा की जरूरत पड़ती है और वो डेटा मौजूद है सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो क्या करता है, उस डेटा को रीड करने की कोशिश करता है, फिर कह लो फेच करने की, एक्सेस करने की कोशिश करता है इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो वो जो एक्सेस टाइम है, एक्सेसिंग टाइम है, वो बहुत ही बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेमोरी, बहुत ही बड़ा टाइम है वो टू एक्सेस अ पर्टिकुलर डेटा इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। एक्सेसिंग टाइम इज वेरी वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेमोरी, इस वजह से सेकेंडरी मेमोरी आपका बहुत ही स्लो है, वेरी वेरी स्लो, बराबर। इसे अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि आपका इस केस में सीपीयू, बराबर। अब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम क्या है, भैया रॉ मटेरियल लेना है और उस रॉ मटेरियल को फर्निश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्पीड बहुत हाई है, जैसा कि आपके सीपीयू का स्पीड है, बराबर। और दूसरी साइड में रॉ मटेरियल का गोदाम पड़ा हुआ है, यानी कि इस केस में आपका सेकेंडरी मेमोरी, इसमें रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, बराबर। तो मुझे एक चीज बताइए, सिंपल सी चीज, वो जो रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लाने का जो समय है, जो टाइम है, जो स्पीड है, वो बहुत ही स्लो है एज कंपेयर्ड विद द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके। तो भाई जिस रेट में आपका प्रोडक्ट प्रोसेस हो रहा है उसी रेट में अगर आपका रॉ मटेरियल आ रहा होगा, देन दैट टाइम यू कैन अचीव 100% एफिशिएंसी। लेकिन अगर आपका जो रेट है रॉ मटेरियल आने का वो अगर बहुत स्लो है, तो इट इज़ वेरी स्लो, तो भैया फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना भी फास्टली वो प्रोसेस करना चाहे वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में रॉ मटेरियल नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है दोस्तों, कि सेकेंडरी मेमोरी आपका बहुत स्लो है और उस वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल आपका सिस्टम का जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, बिकॉज वो बहुत स्लो है। इसका स्पीड होके कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसको भी कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में डेटा की जरूरत पड़ती है, तो जब वो एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज सेकेंडरी मेमोरी इज वेरी स्लो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम लोगों ने सोचा तो एक और मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया, और उस मेमोरी का नाम था मेन मेमोरी, इट वॉज मेन मेमोरी। अब इस मेन मेमोरी के फीचर्स अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं, तो इसकी जो साइज है कंपेयर्ड विद द सेकेंडरी मेमोरी इट इज स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद द सेकेंडरी मेमोरी, बराबर। और एक और चीज बताऊं तो ये कॉस्टली भी है एज कंपेयर्ड विद द सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी आपकी थोड़ी कॉस्टली होती है, बराबर, इट इज वेरी मच कॉस्टली, ओके। एक और चीज जो गुड वे में है
इन द अकाउंट ऑफ मेन मेमोरी वो ये है कि कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी आपका मेन मेमोरी थोड़ा फास्ट है। ये फैक्ट है कि कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी आपका थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन फिर भी समस्या वहीं की वही है, प्रॉब्लम वहीं की वही है कि अगर मैं अभी इस मेन मेमोरी की स्पीड कंपेयर करूँ सीपीयू के साथ तो ये बहुत ही स्लो है एज कम्पेयर विद सीपीयू। मेन मेमोरी की भी जो स्पीड है इट इज़ रियली वेरी मच स्लो एज कम्पेयर विद द सीपीयू। जितना इसका प्रोसेसिंग स्पीड है उतना इसका जो है मेन मेमोरी का स्पीड इतना नहीं है, बराबर। तो इसका भी एक्सेस टाइम जो है वो ज़्यादा है, लेकिन कंपेयर टू द मेन सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ क्वाइट लेस। इसका भी एक्सेस टाइम ज़्यादा है लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है, ओके। थोड़ा जल्दी ये एक्सेस टाइम इसका कम हो जाता है। अभी एक फैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो भैया समस्या तो वही के वही है, सिर्फ उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो वो जो प्रॉब्लम था जब सेकेंडरी मेमोरी था तो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बहुत हाई थी, लेकिन जब हमने इंट्रोड्यूस किया मेन मेमोरी को तो प्रॉब्लम वही के वही रहा लेकिन सिर्फ उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी थोड़ी ड्रॉप डाउन हो गई। That's it. Because इसका स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा है। अब फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समस्या को तो पूरा जड़ से अगर मिटाने की हम कोशिश करना चाहे तो फिर क्या कर सकते हैं, तो एक और मेमोरी को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कैशे। कैश मेमोरी को फिर हमने इंट्रोड्यूस किया। अब इसकी खासियत बता देता हूँ कि कैसे वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रूव होता है, ओके। तो अगर आप कैश मेमोरी को देखोगे तो ये आपके सीपीयू के काफी नजदीक है, बराबर। और इसकी जो साइज़ है वो कंपेयर टू मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर विद मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये जो कैश मेमोरी है दोस्तों ये बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर विद मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ही कम है, बराबर, वो बहुत ही कम है। इस वजह से जब भी सीपीयू को कोई ज़रूरत पड़ती किसी एक डेटा की या किसी एलिमेंट की टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम तो वो सीधा फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच करता है कैश मेमोरी को। अगर वो कैश में प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर एलिमेंट या डेटा जिसकी ज़रूरत सीपीयू को है, वो तुरंत फास्ट वे में कैचे जो है उसको वो डेटा प्रोवाइड कर देता है और सीपीयू अपना जो है जो प्रोसेसिंग था उसको रिज्यूम करता है और फिनिश करता है उस पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को, बराबर। तो अभी सवाल ये आता है कि आखिर जो चीज़ सीपीयू को चाहिए यानी कि डेटा कैशे में कैसे आता होगा, हाउ दैट पर्टिकुलर डेटा विल बी गेटिंग अवेलेबल इनटू द कैशे, तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है, ये जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, बराबर, इस सेकेंडरी मेमोरी का एक छोटा सा जो हिस्सा है यानी कि छोटा सा जो पोर्शन है वो हम लोड करते हैं मेन मेमोरी के अंदर। That particular small portion of the secondary memory is getting loaded into the main memory, बराबर। अब ये जो main memory है उसकी size obviously cache memory से ज़्यादा है, बराबर है कि नहीं। तो पूरा main memory का content cache में नहीं डाल सकते, common sense। तो इस वजह से फिर जो थोड़ा सा मतलब a particular section of main memory is then loaded into the cache memory, बराबर। तो इस तरीके से हमने इसमें लोड कर दिया और फिर जब सीपीयू किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है, एलिमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो फिर सीपीयू सबसे पहले कैशे के पास जाता है, देखता है कि भाई इस मेमोरी में, कैश मेमोरी में क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट डेटा मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो इट्स अ गुड न्यूज़ और उसे हम कैश हिट बोलते हैं कि हाँ भैया जो चाहिए था वो मिल गया है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ कैश हिट। और जो टाइम लगता है टू डिटेक्ट वेदर दैट पर्टिकुलर डेटा और एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कैश और नॉट, उसे बोलते हैं हिट लेटेंसी। उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं हम हिट लेटेंसी। लेकिन अगर हर बार तो भैया गुड न्यूज़ नहीं होती, अगर मान लीजिए जो सीपीयू चाहता है वो कैशे में नहीं है, जो सीपीयू डेटा चाहता है वो कैशे में नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कैश हिट नहीं, कैश मिस। यस, कैश मिस बोलते हैं। जब वो पर्टिकुलर डेटा जो हमें चाहिए सीपीयू को वो जब कैश में नहीं मिलता तो उसे बोलते हैं कैश मिस, बराबर। फिर उसके बाद क्या किया जाए, भाई इसके पास तो नहीं है तो फिर आगे इस लेवल ऑफ मेमोरी के पास जाएंगे, मतलब वी विल अप्रोच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी और फिर हम मेन मेमोरी में देखेंगे क्या वो प्रेजेंट है। और अगर वो प्रेजेंट होगा, वो पर्टिकुलर डेटा जो सीपीयू को चाहिए फॉर प्रोसेसिंग, अगर वो डेटा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है तो वो यहां से लिया जाता है, डेटा मेन मेमोरी से लिया जाता है। और लेते समय एक चीज की जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो जो पर्टिकुलर डेटा जो मेन मेमोरी में मौजूद था, जो अभी हमने सीपीयू में ले लिया है फॉर प्रोसेसिंग, उस
पर्टिकुलर डेटा की, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एक कॉपी जो है, एक कॉपी जो है वो कैचे में स्टोर की जाती है फॉर द फर्दर रेफरेंसेस, फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। उस डेटा की कॉपी हम लोग कैचे में स्टोर करते हैं, बिकॉज कैचे का मतलब ही यही है कि बेसिकली जो भी मोस्ट रिसेंटली यूज डेटा एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। जो मोस्ट रिसेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एटम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, बाइट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो आपके इस कैशे में स्टोर्ड होते हैं। बिकॉज इफ दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंट दैट मीन्स बार बार सीपीयू को उनकी जरूरत पड़ रही है, उस डेटा की जरूरत पड़ रही है। तो अगर वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा अगर सीपीयू के नजदीक ही होगा, इन द फास्ट मेमोरी होगा, ये आपका कैश क्या है, ये फास्ट मेमोरी है, स्पीड मेमोरी है, उसके अंदर होगा तो वो जल्दी से उस सीपीयू को दे देगा, तो आपका टाइम बच जाएगा, आपको फिर यहां नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट मेन मेमोरी में नहीं होगा, आपको सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा, यहां आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चलो यहां तो मेन मेमोरी तक बात सिमट गई, लेकिन अगर वर्स्ट के सिनारियों को अगर देखा जाए, समझा जाए तो क्या होगा। तो वर्स्ट के सिनारियों में क्या होता है, अगर सीपीयू को कोई ऑब्वियसली डेटा चाहिए तो वो जाता है कैश में, कैश में उसको तो नहीं मिला तो हो गया कैश मिस, फिर वो जाता है मेन मेमोरी में उसको सर्च करने के लिए कि क्या मेन मेमोरी में वो पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट है या नहीं जो उसे चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, तो वो यहां देखता है तो वो नहीं है। अब आता है वर्स्ट के सिनारियों की, जब आपको वो डेटा एलिमेंट मेन मेमोरी में भी नहीं मिलता तो फिर आपको फाइनली जाना पड़ता है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में आपको वो पर्टिकुलर डेटा आइटम को जब सर्च करना पड़ता है तो उसका एक्सेस टाइम हो जाता है बहुत बड़ा, और ओवरऑल आपके सिस्टम का जो रेट है वो स्लो हो जाता है, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग द स्लोएस्ट मेमोरी दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। तो ये समस्या आ जाती है बराबर, और ये समस्या मोस्टली इनिशियल स्टेज पे आती है, जब आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, जब आप फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तब ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो आपको देखने को मिलता है कि डायरेक्टली आपको वो जो डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करना पड़ रहा है। ये थे दोस्तों कुछ फैक्ट जुड़े हुए इन कैचे मेमोरी से। और एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तीन चीज़ें हैं, दैट इज द कॉस्ट, साइज एंड द एक्सेस टाइम, इनकी अगर बात की जाए विथ रिस्पेक्ट टू दीज थ्री मेमोरीज तो वो कैसे है। याद रखना, जो मेमोरी आपके सीपीयू के जितना पास है उतनी वो कॉस्टली है, उतनी वो महंगी है। फॉर एग्जाम्पल कैश, ये जो है मेमोरी ये आपके सीपीयू के ज़्यादा पास है, ओके, सो दिस कैश इज मोर कॉस्टलियर देन द मेन मेमोरी एंड दिस मेन मेमोरी इज मोर कॉस्टलियर देन द सेकेंडरी मेमोरी। ये महंगा है, ये थोड़ा कम महंगा है और ये बड़ा सस्ता है। समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई। सो द कॉस्ट गेट्स रिड्यूस्ड एज वी गो फार फ्रॉम द सीपीयू, कॉस्ट कम होती जाती है बराबर। सेकेंड चीज़ क्या है, साइज। हाँ, साइज की भी बात देख लीजिए, जितना ज़्यादा आप सीपीयू के पास हो उतना जो आपकी मेमोरीज हैं उनकी साइज कम होगी, मतलब कैचे की साइज सबसे कम है, उसके बाद मेन मेमोरी की साइज जो है वो थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर विद कैच मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी की साइज सबसे बड़ी है कम्पेयर टू दीज बोथ मेमोरीज बराबर। तो जैसे आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाते हो वैसे वैसे आपकी जो साइज है वो बढ़ती जाती है, साइज गो ऑन इंक्रीजिंग, और जो आपकी कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाती है एज यू फॉलो दिस एरो बराबर। उसके बाद आते हैं एक्सेस टाइम के ऊपर। एक्सेस टाइम जैसे मैं बता चुका हूँ, इसे एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसे थोड़ा कम लगता है, और इसे सबसे कम लगता है, सबसे कम एक्सेस टाइम आपका कैचे को लगता है, ओके। तो जैसे आप इस एरो को फॉलो करते हो विद रिस्पेक्ट टू द फीचर एक्सेस टाइम, वैसे वैसे आपका एक्सेस टाइम बढ़ते जाता है एज यू फॉलो द एरो बराबर। तो जितना नज़दीक आप सीपीयू के हो उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट है बराबर, उतनी कम आपकी साइज है और उतना ही कम आपका एक्सेस टाइम है। सो द बेस्ट चॉइस टू फिट इन बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी इज द कैशे। तो इसकी पोजीशन क्या है कैशे की, कैश मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, एंड मोस्टली इसके अंदर जो स्टोर्ड डेटा होता है या जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर जो वर्ड एंड बाइट्स होते हैं वो डेटा होता है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है बाय द सीपीयू, ज़्यादा डिमांड होती है उसकी बार बार। सो दोस्तों इस वीडियो में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया इसकी ज़रूरत क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कैश मेमोरी की डिटेल्स क्या है, वो सारी मैंने इस वीडियो के थ्रू डिलीवर कर दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।